भाई रुबीना दिलैक राहुल वैद्य से माफी मांगती हुई नजर आई हैं। किस बात पर, चलिए आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, सो यहाँ पर एक फुटेज दिखाई दे रहा है जहां पर राहुल वैद्य और रुबीना किचन एरिया में है। शायद राहुल वैद्य पानी भर रहे हैं, रुबीना भी वहीं खड़ी हुई है, कुछ काम कर रही है। तो राहुल वैद्य कहता है कि रुबीना तुम हर वक्त ये क्यों कहती हो कि मैं जो भी करता हूँ लाइमलाइट के लिए करता हूँ। उस वक्त मैं कुछ बात कर रहा था, किसी इंसिडेंट्स का जिक्र हो रहा है वहां पर, राहुल कर रहे हैं कि उस वक्त भी तुमने कहा कि मैं लाइमलाइट के लिए उससे बात कर रहा हूँ या तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं उस वक्त जेन्युइनली बात करना चाहता था, इसलिए मैं बात कर रहा था और वो बात करनी थी मुझे। इस तरीके से राहुल वैद्य कहते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार राहुल कह रहे हैं कि बार बार तुम यही क्यों ले आती हो कि मैं लाइमलाइट लाइमलाइट लाइमलाइट। जब से मीडिया आई है, मीडिया ने बोला है, तब से तुम उसी के पीछे पड़ गई हो कि मैं लाइमलाइट के लिए करता हूँ, ये करता हूँ। ऐसा नहीं है, ये बोलते हुए नजर आए राहुल वैद्य। इस पर रुबीना कहती है कि राहुल मेरा वो इंटेंट नहीं था, वो इंटेंशन नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैंने उस तरीके से इससे नहीं कहा था तुमसे। लेकिन राहुल कहता है कि नहीं, आपने वैसे ही कहा था, आपने बिल्कुल यही बोला है कि लाइमलाइट के लिए कर रहा हूँ। तो रुबीना कहती है कि देखो, मैंने वैसे उस इंटेंशन से नहीं कहा था, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने वैसा नहीं कहा था। इस तरीके से रुबीना दिलैक बोलती हुई नजर आ रही है राहुल वैद्य को। यानी कि पहली बार उनको लग रहा है कि राहुल को मैंने थोड़ा शायद ज्यादा बोल दिया लाइमलाइट वगैरह का, जो भी था, या उनका इंटेंशन वो नहीं था जो वो राहुल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। ये अभी समझ में आ रहा है, आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।